हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसको लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेज देखेंगे कि कैसे इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मीन्स ब्रैकेट में वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन है, यहीं से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या करना है आपको फिल करना है। क्वेश्चन है, शी लर्न्स टू प्ले। अब देखिए, शी सिंगुलर नंबर है तो लर्न गिवन है, तो यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही राइट करेंगे आप। तो शी लर्न्स टू प्ले द पियानो फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सब्जेक्ट गिवन है, मेक वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर भी शी सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। शी मेक्स डिलीशियस पिज्जाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डॉट सपोज टू रीच द स्टेशन बाय नाउ। यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या गिवन है, बी गिवन है। अब बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज एम आर वाज वर, तो मीन्स इन्हीं में से कोई फॉर्म आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है यू, यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या फिल करेंगे हम, आर। यू आर सपोज टू रीच द स्टेशन बाय नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है, आई प्लानिंग टू द ट्रेकिंग इन द माउंटेन्स। तो यहाँ फॉर्म ऑफ बी गिवेन है, तो ये प्लानिंग मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ एम हो जाएगा। आई एम प्लानिंग टू गो, ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पे हम प्लानिंग राइट कर आई एम राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ बी गिवन है, अब यू गिवन है। अब देखिए, स्टार्टिंग में फॉर्म ऑफ बी का कोई रूप लिखना है, मीन्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क गिवन है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब सब्जेक्ट हमारा यू गिवन है, तो यू के साथ क्या हो सकता है, आर हो सकता है, क्योंकि प्लूरल है, तो आर यू। अब यहाँ पे गो गिवन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंस बन रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई आ जाए, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आर यू गोइंग टू आउट टूडे, आर यू गोइंग आउट टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दे है, दे के साथ हैज की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, हैज तो फिफ्थ फॉर्म है जो कि सिंगुलर के साथ यूज़ होती है, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगी, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, व्हाई हैव दे लेफ्ट, उन्होंने वो क्यों चले गए। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ ट्रेकर्स गोइंग अप द हिल। तो अ ग्रुप की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग अप द हिल। राम एंड रोशन दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, आपको पता है हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। राम एंड रोशन आर गुड फ्रेंड्स। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, यू कैन फिल दिस टाइप एक्सरसाइज। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी नंबर इज गिवन हियर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। मीन्स सेम क्वेश्चन इज गिवन हियर ऑल्सो। द नोटोरियस थीव्स, नंबरी जो चोर थे, तो स्टोलन द स्टेचू, क्या कर लिए हैं, स्टेचू को चुरा लिए हैं, तो हैव की फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो आप क्या राइट कर दोगे, हैव स्टोलन द स्टेचू। नेक्स्ट है, द अरोमा ऑफ द कुकी इज टेम्पटिंग, तो फॉर्म ऑफ बी राइट करना है, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हेयर फिर से फॉर्म ऑफ बी गिवन है, द ब्लैंक शीट्स, कैसी सीट्स हैं, ब्लैंक सीट्स हैं, तो ब्लैंक सीट्स क्या हो गई, प्लूरल हो गई। यू आस्क फॉर, तो हेयर आर ब्लैंक सीट्स, यू आस्क फॉर, यहाँ ब्लैंक सीट्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर बी अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स वेटिंग इन द स्टेडियम। तो देयर इज अ टीम, जब क्या जाता है, टीम आ जाए, मीन्स कलेक्टिव नाउन होगा, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द थीम ऑफ ऑल स्टोरीज, तो यहाँ बात थीम की कर रहा है, तो एक एक थीम की बात कर रहा है, सभी स्टोरियों की जो थीम है, तो सिंगुलर हो जाएगा, इज सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर बी है बैंक्विट ऑफ फ्लावर्स, तो बैंक्विट, तो हेयर इज अ बैंक्विट ऑफ फ्लावर्स यू ऑर्डर्ड फॉर, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज नंबर सी। सी एक्सरसाइज इज गिवेन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवेन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। मीन्स फॉर्म ऑफ गिवेन है वर्ब्स, आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज रोजेज, तो खुशबू की बात कर रहा है, तो फॉर्म ऑफ बी लिखा हुआ, इज रिफ्रेशिंग। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फिर से बात कर रहा है लॉर्ड की, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लिंग्स का जो लॉर्ड है, इज इंटरेस्टिंग। माई फादर एंड मदर आर वेरी इनकरेजेस, फादर मदर दो सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ मिल्क इज केप्ट इन पैन,
लॉट ऑफ के साथ जब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ गेस्ट। अब देखिए अ लॉट ऑफ के साथ में जब काउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। आर विशिंग माई फादर ऑन हिज 15th बर्थडे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस एक दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ के साथ मिल्क था मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। और जब अ लॉट ऑफ के साथ में कोई काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो अ लॉट ऑफ मिल्क इज, और अ लॉट ऑफ गेस्ट्स आर विशिंग माई फादर ऑन हिज 15th बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पेयर ऑफ सीजर्स। देखिए पेयर आ गया, जहाँ पर पेयर आ जाता है वैसे सीजर्स के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप पेयर आ जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। मैंने रूल में बताया था कि जब सीजर्स आ जाता है, ट्राउजर्स आ जाता है, स्पेक्टिकल्स आ जाता है, टोंग्स आ जाता है, तो वी शुड यूज़ ऑलवेज प्लूरल वर्ब। बट जब इनके पहले क्या ऐड हो जाए, आप पेयर ऑफ आ जाए। तो अब देखो यहाँ एक जोड़ी सीजर तो एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ बॉट बाई मी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई, आगे जब सेंटेंस हमने पढ़ा तो यहाँ सेंटेंस में क्या दिया है, यस्टरडे दिया है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो सेंटेंस में आप फॉर्म क्या राइट करेंगे, वॉज राइट करेंगे। अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट बाई मी यस्टरडे। सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बाई लगा हुआ है और यस्टरडे की बात कर रहा है, तो पास्ट का सेंस निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लीनिनेस इंचार्ज इज इंस्पेक्टिंग द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इंस्पेक्टिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर डी जो दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवेन इन ब्रैकेट्स। मीन्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवेन है, इसी से आपको करेक्ट फॉर्म आप चूज करके राइट करना है। अ म्यूजिकल ट्रूप इज परफॉर्मिंग एट द कंसर्ट यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ गया, हमने इज बोला, लेकिन यस्टरडे हमें बता रहा है कि यहाँ इज नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट का सेंस यस्टरडे से निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, अ म्यूजिकल ट्रूप वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स, देखिए प्लूरल है, गोइंग आउट फॉर डिनर, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो बी का प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माई फ्रेंड्स आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ऐसे आप इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ मैथमेटिक्स आ गया, आप रूल ध्यान दीजिए, कुछ रूल्स मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपियरेंस प्लूरल होता है बट दे हैव सेंस ऑफ सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, न्यूज़ है, तो ये सभी क्या होते हैं, फॉर्मेशन में प्लूरल लगते हैं बट इनका सेंस हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अपीयर है, अपीयर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, एस का यूज़ कर देंगे, मैथमेटिक्स अपीयर्स टू बी ईजी टू मी। नेक्स्ट है दीज बुक्स। अब देखिए दीज बुक्स आ गया, अब दीज बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी हम यूज़ करेंगे, तो बिलोंग दिया हुआ है, बिलोंग ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप प्लूरल ही राइट करेंगे। मैंने एक रूल बताया था कि जब जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं हमेशा सब प्लूरल होती हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम कभी यस ऐड करते हैं, कभी ई एस ऐड करते हैं, कभी आई ई एस ऐड करते हैं, मीन्स ऐसे वर्ब्स को आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नाउन का अपोजिट होता है, नाउन को जब आप प्लूरल बनाते हो तो उसमें यस ई एस आई एस लगाते हो, और जब वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है तो उसमें यस ई एस और आई ई एस लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स। अ लिस्ट की बात कर रहा है, तो ग्रॉसरी आइटम्स तो बहुत हैं, लेकिन लिस्ट कितनी है, एक है, तो जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं, अ लिस्ट आ जाए, अ पेयर आ जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब देखिए एम्प्लॉयज़ तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से कितने एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ is on leave today। ठीक है, छुट्टी पे, तो आप ये मत देखिएगा कि employees आया है तो plural हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको पूरा sentence पढ़ना होगा, one दिया हुआ है, a list दिया हुआ है, a pair of scissors दिया हुआ है, तो ये word scissors है, employees है,
ग्रॉसरी आइटम्स है, इनसे सबसे लग रहा है प्लूरल सेंस निकल रहा है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा इनके पहले आ पेयर आ गया, आ लिस्ट आ गया, वन ऑफ द आ गया, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज नंबर ई। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, आपको करेक्ट फॉर्म। अब वीडियो को अच्छे से देखिए और रूल भी साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि अभी तक आपने वीडियो पहले नहीं देखी थी तो उसे बेटा देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और नहीं देखा है तो आप इसको पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, साथ में मैं रूल भी बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको और समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, नाइदर सोनल आर नार माही। मैंने रूल बताया था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार और अदरवाइज से जुड़े हुए होंगे तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब बी फॉर्म ऑफ बी ही राइट करना है तो आप हैज़, हैव, हैड के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं थिंक कर सकते, केवल किसके बारे में सोच सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर ही थिंक कर सकते हैं। तो नाइदर सोनल नॉर माही इज, अब देखिए इज क्यों होगा, क्योंकि आगे ब्रिंगिंग लिखा हुआ है, इसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का हो सकता है, तो इज आ गया। नेक्स्ट है आइदर द बॉयज़ और द गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल आ गया, मैंने एक रूल और बताया था कि जब दो सिंगुलर, दो प्लूरल सब्जेक्ट या एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार से जुड़ा होगा तो आगे आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट होगी। तो द गर्ल्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्रेजेंटिंग अ प्ले। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई नेबर। अब देखो दोनों सिंगुलर हैं तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई नेबर इज अराइविंग अर्ली फॉर द पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द फ्लावर्स नॉर द पाम लीव्स। अब देखिए दोनों प्लूरल आ गए, नाइदर नॉर तो जुड़े हैं बट दोनों प्लूरल हैं, या एक ही प्लूरल होता तो अकॉर्डिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट आप क्या कर देते, प्लूरल वर्ब यूज़ कर देते बच्चे। ठीक है, पाम लीव्स कह रहा है, पाम की पत्तियाँ, आर फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइदर द पेन और द पेंसिल। या तो पेन या पेंसिल मीन्स दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में से किसकी बात वो कर रहा है, सिर्फ एक की बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रूल याद करिए हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आइदर द पेन और द पेंसिल इज लॉस्ट। खोया क्या है, या तो पेन खोया है अथवा पेंसिल खोई है, मीन्स खोने में एक ही चीज़ खो रही है, तो आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई नंबर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब्स। फिर से फॉर्म ऑफ गिवन है, आपको करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट फिल करना है और अच्छे से समझते हुए इसको फिल करना है, देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने रूल बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट उनका सेंस सिंगुलर होता है। आप एक बार फिर से रिमाइंड करिए, मैंने बताया था मैथमेटिक्स आ जाए, सिविक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, न्यूज़ आ जाए, तो ये प्लूरल है बट इनका सेंस प्लूरल लगते हैं बट सेंस इनका क्या होता है, सिंगुलर होता है। द न्यूज़ आ गया है तो फॉर्म ऑफ बी गिवन आपको फिल करना है। फ्लैशिंग अक्रॉस द टेलीविज़न स्क्रीन, तो सिंगुलर वर्ब ही होगी, इज फ्लैशिंग अक्रॉस द टेलीविज़न स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट रूल है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूल याद करिए कि कुछ देशों के नाम, कुछ बुक्स के नाम, याद है ना कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो दिखने में प्लूरल होते हैं बट हमेशा उनका सेंस क्या होता है, सिंगुलर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो ये स्टेट्स लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर ही होता है। फाइनलाइजिंग द न्यूक्लियर डील विद इंडिया, तो क्या इज आप फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पेयर ऑफ स्पैरोज, याद करिए स्पैरोज यहाँ पे प्लूरल है बट उसके पहले क्या लगा है, आप बिल्कुल जैसे देखेंगे सेंटेंस को तुरंत समझ जाएंगे, आप पेयर आ गया है तो प्लूरल से मतलब कोई नहीं रह गया क्योंकि एक जोड़े की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, इज सिटिंग ऑन द फेंस, दीवार पे बैठे हुए हैं। एवरीवन आ गया, जब मैंने एक रूल बताया था कि जब एवरीवन आ जाए, अनदर आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, ईच आ जाए, आइदर आ जाए, एवरी बुक आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, नाइदर आ जाए, नोबॉडी आ जाए, नन आ जाए, समबॉडी आ जाए, समथिंग आ जाए, सम मीन्स ऐसे वर्ड्स जब आ जाएँ तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आप बिना कुछ देखे हुए आप क्या कर, एक्सपेक्टिंग दिया हुआ है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंस लिख सकते हैं,
तो क्या कह रहा है, एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर, हर पर्सन क्या है आशा कर रहा है एक अच्छे मानसून की। Nobody, देखो nobody आ गया, anybody आ जाए, nobody आ जाए, none आ जाए, हमेशा क्या होगा, scared of darkness in my family, हर पर्सन डरता है, nobody is scared of darkness in my family, मेरे परिवार में अंधकार से कोई नहीं डरता है। ठीक है, तो ऐसे आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं इस चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और तो आप यदि एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, फिर से कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप उसको दोबारा से वॉच करिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी नंबर देखते हैं, क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate form of verbs given in blanks, means फिर से form of be given है, आपको correct form fill करना है। ठीक है, जैसे my friends, आप इसको देख लीजिए, फिर अभी मैं बताऊँगा आपको कि कैसे paper में question कैसे पूछे जाएंगे आपसे, तो उसका भी concept थोड़ा सा मैं explain कर दूँगा last में, तो आप last तक video ज़रूर देखते रहिए अच्छे से। जैसे दिया है my friends as well as my neighbor, तो rule क्या होता है कि जब दो words as well as से जुड़े होते हैं तो उनके साथ में आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, इज गोइंग टू विजिट द नियर बाय मार्केट। ठीक है, फॉर्म आप भी राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता विद हर फैमिली, मिस्टर गुप्ता विद हर फैमिली, तो मिस्टर गुप्ता हैं बट किसके साथ, अपने परिवार के साथ, इज शिफ्टिंग टू लखनऊ सून, जल्दी ही लखनऊ में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात फैमिली की है, बट किसकी फैमिली की, मिस्टर गुप्ता की। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, मीन सिंगुलर वर्ब होगा। रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, रितेश साथ ही साथ उसके भाई, तो बात एक की कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग फॉर एन एडवेंचर ट्रिप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिंकू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, तो रिंकू अपने पेरेंट्स के साथ में क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो बात यहाँ पर रिंकू की हो रही है, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इज वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिंकू की बात की जा रही है और ना कि पेरेंट्स से मतलब है। रिंकू अलॉन्ग विद पेरेंट्स, रिंकू अपने पेरेंट्स के साथ में क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फिल करने के लिए आप और अच्छे से इसको देखिएगा वीडियो को, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रूल भी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर, कि जब एज वेल एज विद और अलॉन्ग विद आर यूज टू जॉइन टू नाउन्स इन सेंटेंस द वर्ब एग्रीज विद द नाउन मेंशन फर्स्ट, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे डाउट हो रहा था बट यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया कि माई फ्रेंड्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप आर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आप एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। अभी मैंने बोला था कि लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट जैसे यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी हर जगह मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब गिवेन है, लेकिन पेपर में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मीन्स ऐसे हम सेंटेंस राइट कर देंगे, फॉर्म ऑफ बी नहीं देंगे, उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक कर देंगे, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देना होगा, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसी सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पुटअप करिए। हाँ, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आसानी से सभी के पास वीडियो पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।